ताना बाना मोहब्बत का बुनते रहे। 3000 गोल्ड की तो बहुत जगह है, बहुत जगह है, सही जगह है, हाँ बहुत जगह है। पापड़ मैं भूली नंबर वन, एकदम खराब हो यार। बस कम मम्मी कट गई, पर पहनेंगी तो ही अच्छा लगेगा। और ये है जिसको टेलर को देना है, इसको टेलर को भी देना है। अरे तुम्हें नहीं देना है, तुम लोगों का नाप देना है, इसलिए लेकर के जा रहे हैं ना। दोनों पैकेट है ना। चलो चलो भाई, रेडी हो चुके हैं। और आजकल तो बहुत भाग दौड़ लगी हुई है, डेली डेली कहीं कुछ। शादी की तैयारी बहुत जोरों शोरों से चल रही है। तो अभी टेलर के यहाँ जाएंगे, फिर वहां से जो छोटे मोटे से कुछ सामान भी लेने हैं तो वो भी देखेंगे। तो इसलिए इन लोगों को भी लेके जा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों का नाप देना है फिटिंग का, तो वो है नहीं अपने पास, तो लेकर के जा रहे हैं कि साथ में नाप भी दे देंगे तो अच्छे से सिल जाएगा मेरा पास। और कैसा लग रहा है, एक्साइटेड हो रही शादी, इतनी दिन के बाद शादी अटेंड कर रही हो? एक्साइटेड, बहुत ज्यादा वाला एक्साइटेड है। पहली बार। और हम लोग ने भी बाल वाल तो कलर करा ही लिया था हम लोग। मैंने अपना बाल में सिर्फ कलर कराया था, वो तो आपको दिखाई दिया है। और सिद्रा ने सिर्फ आगे हल्का सा ये कटिंग कराई है, थोड़ा चेंज, मतलब हल्का फुल्का सा चेंज, कभी कभी अच्छा लगता है। चलो इब्राहिम, पहले बता दे रहे गेम जोन नहीं जा रहे, हम लोग अपना शॉपिंग ये कपड़ा टेलर के पास जा रहे देने। चलो सब लाइट बंद कर दिया और निकलते निकलते क्या टाइम हो गया, अभी 1:30 हो चुकी है घर में। आज टाइम पे ना सबसे बड़ा तो पहनेंगे भी नहीं किसी से, फिर उल्टा है। पहनो। ये लोग भी जाएंगे, बाय 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 बाय। मैं भूली नंबर वन। ये सब पल्ली वाली खोलना पड़ेगा, बाहर निकाल के सब पल्ली टाइट करना, इसमें लेना। और ये डिजाइन है ऐसा नहीं है, जब सिल के आएगा तब दिखाओगी ना। बस इतना तो लुट गए। टेलर को तो कपड़ा दे दिया गया ना, तो एक काम हो गया। अब लगी है भूख, तो भूख लगी, कपड़े तो बहुत अच्छे अच्छे फिर से आए हैं लेंगे। तो अभी आए हम लोग यहाँ पे लंच करने के लिए, और टेलर का काम हो गया, टेलर को कपड़े दे दिए। और यहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा और गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो अभी ऑर्डर दे दिया है। यहाँ पे खाते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं कि और भी क्या चीज़ देखना है वो देखेंगे। इब्राहिम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ऐसा मार्केट में आना, लेकिन आज छोड़ करके नहीं आ सकते थे, तो लेकर के आए तो उसे अच्छा नहीं लग रहा, कह रहा घर जाना है, घर जाना है। यार ये डिनर हो गया, पेट भर गया, लेकिन अच्छा था, तंदूरी खा के मजा आया। और ये कौन सा रेस्टोरेंट है? आगरा रेस्टोरेंट है। आ गए तुलसी बाग, तो थक गए, आइसक्रीम थकान से आइसक्रीम भी खाई जा रही है।
वलीमे का भी कपड़ा ले लिया, अल्टर करने दिया है, एक घंटा रुकना है कि वो अल्टर करके अभी दे दे। मेरे को तो दिखाओ भी मत, मेरी तो हालत खराब हो गई जाने से पहले। ये देखो इसकी एकदम खराब हो गई यार, ऐसे शादी शादी में जाने से पहले ही शक्ल अजीब हो गई। अब जो है आज से नो नो शॉपिंग नो कुछ, अब सिर्फ स्किन केयर याद रखिएगा, नो शॉपिंग। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आप सब कैसे हैं, आई होप कि आप अच्छे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आजकल की जो है ब्लॉगिंग सारी मार्केट वाली हो रही है, तो जो टेलर को कपड़ा दिए थे तो आज हम जा रहे थे लेने के लिए, उसको सिल गया है और टाइम तो बिल्कुल भी नहीं बचा है, तो डेली कुछ ना कुछ लगा रहता है। और आप सबको मेरा जो हेयर कलर कराया था वो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो टेलर के यहाँ से कपड़ा लेंगे और उसके बाद जो है थोड़े बहुत कुछ सामान लेना है। तो सिजरा को आने में कॉलेज से बहुत ज़्यादा लेट हो गया, तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा क्या मतलब ज़्यादा टाइम हो चुका है, करीब 4 बजने वाले हैं। तो अभी सीधा जाएंगे हम लोग MG रोड और वहाँ से कपड़ा उठाएंगे और वहाँ से थोड़ी सी मार्केट करनी है, करके फिर घर वापस आएंगे। तो चलिए चलते हैं, चलिए MG रोड। आज आपको MG रोड की अच्छी सी सैर कराएंगे। गाइस शॉपिंग कर करके ना हम लोग के पैसे बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, तो आज हम लोग बस से जा रहे हैं। हम तो जा रहे हैं बोरिया वाली बस, जबकि अभी ये उधर बस से ही आई हो ना, तो हाँ ये बस से ही आई है। तो हमने कहा कि चलो बस से ही चलते हैं, उससे कम पैसे पड़ेंगे और जो पैसे बचेंगे उसका हम लोग कुछ खा लेंगे। बल्कि बहुत गरीब है गाइस, आप लोग फटाफट जो है ना मेरे वीडियो को ऐड के साथ देखो, ताकि जो है पैसे डॉलर वाले आए और हम लोग भी ओला उबर कर करके जाए। तो अभी आज हम लोग जाएंगे कैंप बस से और देखते हैं। खाली नहीं है, खाली नहीं है, चलो खाली है आज, चलो चलो चलो, जगह तो है ना। आज मैं फर्स्ट टाइम ना, फर्स्ट जल्दी आधी सीट मिल जाती थी, इतनी देर लगाई। ये लड़की 1 महीने से जो है एक्सपीरियंस वाली हो गई है, बस में चढ़ने का जो एक्सपीरियंस इसका जो है काफी अच्छा हो गया है। खाली है आज, अब तुझे ना हम मुंबई के लोकल ट्रेन में भी चढ़ाएंगे, वहाँ की लोकल ट्रेन में भी तो ऐसी चल रहा है ना। हाँ? कैसा लगा? बाप रे मेरे मैको, अरे एसी है उसके, एसी बस में बैठे लेंगे। तो ये देखो, ये भी एक स्टेशन आया है, फिर इसके बाद स्टेशन आएगा। कितने स्टेशन आएंगे? 5 स्टेशन के बाद 5 आएंगे। ये लड़की को इसलिए लेके आए क्योंकि इसको काफी एक्सपीरियंस है। ये है बस का मम्मी का टिकट, इसको मैं बहुत संभाल के रखूंगी। तो अभी आ चुके हैं बहुत ज्यादा, तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं कैंप में, कैंप में आ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं जाऊंगी टेलर के पास देखने की, उसने कपड़ा पूरा रेडी करके कैसा किया, अगर कुछ कम ज़्यादा होगा तो उसको अभी बोल देंगे, और उसके बाद मैं जाऊंगी फिर मार्केट करने के लिए। पहले टेलर के पास ही चलते हैं सीधा। हाँ, और आज बस का एक्सपीरियंस मुझे तो बहुत ही अच्छा भी लगा और करना अच्छा भी चाहिए। हाँ, करना चाहिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि हर एक चीज़ का वो होना चाहिए एक्सपीरियंस, कभी इन केस कभी कुछ पड़ जाए तो आपको हर चीज़ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये जो है ना कैंप की मार्केट है, तो ये आप देख सकते हैं ये MG रोड है। तो अभी हम लोग ने टेलर के यहाँ से कपड़े हम लोग के सिल गए और हम लोग ने ले लिया, और अभी फिटिंग वगैरह घर पे जा करके देखेंगे, वैसे लग नहीं रहा कि कोई चीज़ की प्रॉब्लम होगी। हाँ। तो चलो अच्छा है कि टाइम से जो है टेलर का कपड़ा जो है मिल गया ना। तो अब चलते हैं थोड़ी सी मार्केट, और मार्केट में जो छोटे मोटे से सामान लेने हैं देखने हैं तो वो लेते हैं और देखते हैं। गाइस ये लहंगा इतना हैवी है कि दो लोग इसको पकड़ के चल रहे हैं, और जब पहनेंगे तो क्या होगा अल्लाह ही जाने। वैसे आज अच्छा लग रहा है ना कैम में, दिवाली का जो है पूरा डेकोरेशन किया ना, अच्छा लग रहा। अल्लाह, अभी तो हम लोग मार्केट में पहुँचे भी नहीं और बारिश शुरू हो गई, बारिश आ गई यार, ये लहंगा उठा उठा के थक गए हम लोग। सिल्वर नहीं अच्छा लगेगा ना, ये अपने आउटफिट पे नहीं जाएगा सिल्वर, ये अच्छा लग रहा है ना। हाँ पूछो भैया इसका प्राइस क्या है,
650 और लॉन्ग वाले के ये और ये तीनों 650 है, बाकी सब 550। स्ट्रिंग टॉप है नहीं, कितने का बॉटल ग्रीन कलर का? वो 1150 का है। ऐसा हम तो बोल रहे जो ये जगमग वाले हैं, नहीं नहीं इधर ये जो लगे हैं जगमग वाले ये हाँ। अरे इधर इधर ये यही यही पीछे लटकन लगा लो लहंगे लहंगे मस्त लगेगा, सच्ची बात है। चलो कि ना झिलमिल झिलमिल जगमगाएगा ना, मस्त लगेगा। कानों में नहीं पीछे जो है लटकन लटकन हाँ ऐसे लगाने से। चलो और हाथों में चूड़ा, पीछे और आगे लटकन मस्त लगेगा। हाँ सही में अच्छा लगेगा। बारिश हो रही है, हल्की हल्की हो रही है, लेकिन जो सामान जितने भी हैं ना कपड़े वगैरह तो वो सब कवर कर दिया है ताकि भीगे नहीं। तो गाइस शॉपिंग करते करते अब हम लोग आ चुके हैं क्लोवर हिल प्लाजा, अरोरा टावर है और नहीं क्लोवर है इस मार्केट को क्लोवर बोलते हैं। तो इसके अंदर आ गए क्योंकि यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है और हम लोग भी भीग चुके थे। ग्लव्स भी लेना ही है दिखाइएगा है ना उसके लिए, जब गले में चोकर पहनेंगे तो ही अच्छा लगेगा। थोड़ा और ऊपर अच्छा लग रहा, बड़ा ही अच्छा लगेगा लेकिन हाँ मतलब इसी पैटर्न में ही अच्छा लगेगा। हाँ वो वाला नहीं अच्छा लगेगा, जो ऐसे आके थोड़ा सा थोड़ा डबल लेयर ये लो ओपन करो देखें, ऐसे सिर्फ ऊपर से लगा के देखो गोल्डन तुम्हारा क्या है? गोल्ड सिल्वर है मेरा, गोल्डन ये लो देखो 3000 लेके गोल्ड की तो मेरे ख्याल से ब्लैक ज़्यादा अच्छा लग रहा था, ब्लैक ज़्यादा अच्छा लग रहा था, खिल रहा था ब्लैक। और अच्छा ना हुक वाला नहीं है, मैग्नेट वाला है, अच्छा लग रहा है। तो उस पे क्या लोगी फिर आप लहंगे पर? अच्छा लग रहा है ले पापड़। घर चलते हैं, रात हो गई है, थक गए। ऑटो करते हम तो ऐसे कॉलेज से आए और घर में घुसे और आ गए बाहर फिर। और इस टाइम हम लोग बस से नहीं जाएंगे, ऑटो से नहीं भैया, बस उससे नहीं हो पाएगा। या अल्लाह मेरे पैर तो टूट गए पापा, शादी में जाने के लायक बचेंगे कि नहीं हम लोग? मेरा सब कुछ टूट गया, बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। घर तो आ गए और बारिश अभी भी झीम झीम वाली हो रही है अभी भी पापे। और जाम रास्ते में इतना ज़्यादा भीड़, इतनी ज़्यादा भीड़, बारिश सब एक साथ चालू है। गए खलास अभी, आज तो हम लोग ज़्यादा कुछ ले नहीं पाए। कपड़ा मेन ये था कि टेलर के यहाँ से जो कपड़ा था वो मिल गया, अब चल के उसको फिटिंग वटिंग देखते हैं क्या है क्या नहीं है, और फिर कल देखेंगे कि कल जा कल जल्दी चलेंगे। कल अभी फिर से जाना है। और एक गुड न्यूज़, मेरा एग्ज़ाम आज खत्म हो गया। हाँ तो एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तो इसलिए कल हो सकता है जल्दी चलेंगे। हाँ लेकिन आ गया कपड़ा, आ गया सिल के।
तो गाइज मैं आ चुकी हूँ और आने के बाद अभी मुंह धो करके फ्रेश हो गई, कपड़ा भी चेंज कर लिया है। और आज मैं, मुझे मालूम था कि आज मैं जाऊँगी तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है शॉपिंग करके, वैसे भी हर एक इंसान को थकान हो जाती है और फिर बस से जाना और ट्रैवल करके आना तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो आज मैंने एक बहुत ज़्यादा स्मार्ट काम किया और जाने से पहले मैंने क्या किया, दोनों टाइम का खाना बना करके डाइनिंग टेबल पर रख दिया था, बच्चों को खिला उला करके गए थे और अभी रात का भी खाना आज मैंने कम्प्लीट कर दिया, बस मुझे माइक्रोवेव में गर्म करना है और खाना खाना है। तो फिलहाल टेलर ने क्या किया ना, हम लोग के कपड़े बहुत ही अच्छे परफेक्ट एकदम सिल दिए और मुझे उसमें कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल फिटिंग वगैरह सब कुछ एकदम ठीक है, एकदम परफेक्ट है। अब सिर्फ मुझे क्या करना है कि उसके ऊपर की ज्वेलरी लेनी है, जो कि मैंने आज देखी भी, बट क्या था कि हम लोग काफ़ी शाम को गए थे तो उसके कलर जो थे ना मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आ रहे थे इस टाइम पे, तो इसलिए मैंने जो है लिया नहीं। मैंने कहा कि चलो कल जल्दी निकलेंगे, कल मैं जल्दी उठूंगी, घर के काम करूंगी और फटाफट दिन में ही निकल जाऊंगी, बस मुझे कल का ही एक काम है जो मुझे ज्वेलरी का है, वही मुझे मेरा फंस रहा है, तो वो कल उसको भी ख़त्म कर लेंगे, फिर सीधा हम लोग जाएंगे शादी में। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और इस वीडियो को मैं यही जगह एंड भी कर देती हूँ क्योंकि काफ़ी दो दिन से वीडियो लंबी लंबी चल रही है और हो सकता है आगे भी आने वाली जो वीडियो है वो भी आपको एक से दो दिन का एक साथ देखने को ही मिलेगी। तो जो भी क्लिपें रहेंगी वो सारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, तो सारी वीडियो को मैं अच्छे से बनाऊँगी और आपके साथ शेयर भी करूँगी। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, शॉपिंग वगैरह सब कुछ की डिटेल से मैंने आपको दिखाया, लेकिन कपड़े वगैरह तो अभी नहीं दिखाए, वो तो शादी में जाने के बाद मैं दिखाऊंगी, तो वो सब आपको शादी वाली वीडियो में देखने को मिलेगा। तो फिलहाल इस वीडियो को ये जगह एंड करते हैं और आपने भी काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया होगा हमारे साथ शॉपिंग करके, इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इस वीडियो को एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं जल्दी से आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।